हमारे पास ऑप्शंस नहीं है ना, कम है फास्ट बॉलिंग में और टेस्ट क्रिकेट में हमारे इसी तरह से है। जब तक हमारा टोटल कॉम्बिनेशन नहीं बनता है हमें इस तरह से प्रॉब्लम रहेगा। दूसरा, चार डेब्यूटेंट्स जब आप इंग्लैंड के खिलाफ खिलाते हैं तो वो भी एक चांस आप ले रहे होते हैं, बट एनीवे आप घर में ही खिलाएंगे ना नए प्लेयर्स। रमेश भाई, आपने कहा था कि मेडिकल पैनल के खिलाफ कुछ किया उस हवाले से आपने? यार मैंने तो नहीं कहा यार, ये आप कह रहे हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे पूछेंगे। अच्छा रमेश भाई, इंग्लैंड का स्पीड स्पीड और जिस हिसाब से अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, बेखौफी है, नडर है। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ असल में जब हम बच्चे को बैट देते हैं ना तो सबसे पहले जो कि मुझे भी पढ़ाया गया था कि आउट नहीं होना। सो वो एक जो मंत्र है ना वो बदल रहे हैं ये गोरे, कि आउट हो भी जाए मगर आप क्लैरिटी के साथ खेलें। और आपका अगर मिशन ये है कि आपने स्पीड पकड़नी है तो फिर आप इसीलिए आप फिर T20 के प्लेयर्स वो लेके आ गए। सो हमने एक तरह से T20 के स्टाइल पे खेलना है। इसमें देखें एक कंप्लीट अभी तक हमारा एक जो होता है ना कॉम्बिनेशन नहीं, और ख़ासतौर में एशियन ब्लॉक का, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा कि इंडिया को सेमीफाइनल में किस तरह से ये खेली है इंग्लैंड की टीम। रमेश भाई, अभी ब्लाइंड टीम को उन्होंने वीजे नहीं दिए, इंडिया ने एशिया कप के लिए इधर भी नहीं आ रहे, तो फिर अभी फैसला वो कर लिया, फाइनली क्या करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेंगे? देखिए मुझे इसका इतनी सिचुएशन का पता नहीं है, ब्लाइंड टीम को वीज़ा मिला या नहीं मिला, बट एनीवे उसको हम एक इसमें क्या कह सकते हमारी विकेट जो है, देखते हैं कि हमारे जो फर्स्ट क्लास में रन भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो लेकिन जब हमारी इधर होम कंडीशन में हम लोग खेले तो रन नहीं हुए हमारी तरफ से, तो क्या हम होम कंडीशन में भी यार 700 कितना किया पहली इनिंग्स में? 500 550। रमेश भाई, गैर मुल्क के कोचेज आए, रमेश भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में गैर मुल्क के कोचेज आए, लेकिन उनके आने से जिन टीमों के साथ वो थे ज्यादातर मैचेस ड्रॉ हुए। अब समझते हैं कि प्लेयर्स की टेक्निक में या उनके आने से कोई फर्क पड़ा है या वापस अपने कोचेज में जाना पड़ेगा फर्स्ट क्लास क्रिकेट के वाले? ये एक न्यूट्रल बेस के थ्रू एनालाइज करने के लिए और एक अलग डायरेक्शन देने के लिए ये एक्सपेरिमेंट है, और इसको और बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारा इसलिए भी फ़ायदा है क्योंकि ये प्रॉपर काउंटी के कोचेस हैं, तो जिसने जो यहाँ पे टैलेंट ये पिक करेंगे ये काउंटी भी जाके हमारे प्लेयर्स खेल सकते हैं, और एक हमें एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफरेंट विंडो खोल रहे हैं। इसका पॉइंट सारा ये था एक्सरसाइज करने का, फील्ड में एंगल्स किस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं, और ये इसको टाइम लगता है। देखें ये बाकी चीज़ों में तो हम खासा पीछे हैं दुनिया में, क्रिकेट एक वाहिद हमारी स्पोर्ट है जो कि हम डेवलप कंट्रीज़ को आंखों में आंखें डालते हैं। सो इसको थोड़ा सा बैक करें, थोड़ा सा इनको ब्रीदिंग स्पेस दें ज़रूर, क्योंकि गलतियां करेंगे, गलतियां होंगी, परफेक्ट सिस्टम नहीं है, मगर कोशिश कर रहे हैं भाई। इंडिया का बस हो गया है।